जनाब स्पीकर, इससे पहले भी हमने बारहा कहा कि ये जो सड़कें हैं ये कातिल सड़कें हैं। एक सर्वे के मुताबिक कोई 2 साल में 9,000 लोग रोड हादसात में लुकमय अजल बन चुके हैं। कुछ लाख बाईपास NHA ने बनाया, उस वक्त भी हमने आवाज उठाई कि ये सबसे खतरनाक रोड है, इसको बिल्कुल ड्यूल कैरेज वे होना चाहिए था। लेकिन उसकी वजह से परसों आपने देखा कि 4 नौजवान जिनकी उम्रें 25 से 26 27 साल थी, जो नोमान कासी, उसमें कैप्टन हिदायतुल्ला, नोमान काकर, एक और उनका, ये सब अपने आपस में रिश्तेदार भी थे, इन बिचारों का वहां हादसा होता है कुछ लाख बाईपास पर और चारों के चारों नौजवान उसमें शहीद होते हैं। मलिक साहब बैठे हुए हैं अभी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको इस पे बयान देना चाहिए था कि ये वाकयात या ट्रांसपोर्ट मुकमय ट्रांसपोर्ट वो बलूचिस्तान में हादसात को रोकने के लिए उनके पास कोई हिकमत अमली किया है, यानी और तो छोड़े हम पुरानों की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस 4-5 साल में इस हुकूमत ने इतने हादसात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए हैं? मैं अब दोहराना नहीं चाहूंगा कि कितने वाकयात हुए, कहाँ हुए, जिस घर से वो शहजादे गए हैं या जिस घर के वो फर्द थे उस खानदान के उस इलाके के, हमें पता है कि कितने कीमती लोग होते हैं हमारे माशरे में। एक तो इंसान बहुत कम तालीम याफ्ता काबिल नौजवान पैदा होते हैं। मैं जनाबे वाला सिर्फ मलिक साहब, बाजी साहब, मैं आपको तवस्सुत से मैं मोकमे ट्रांसपोर्ट को या बाकी दीगर मोकमों के हमारे दोस्त बैठे हैं, सरदार साहब भी सुनेंगे, मैं उनको सिर्फ ये गोश गुजार करना चाहता हूं कि कम अज कम खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर इस मसले को संजीदगी से लें। सरा भाई ने जो सवाल किया था हम पर, यकीनन जो उसी दिन जो वाकया हुआ है उनका जो अल्लाह ताला उनको शहादत कबूल करे, और यकीनन हुकूमत में ये लोग भी है वो जो हाथ हमसे पूछ रहे और ये स्कीमें और पैसा ये ले रहे और ये कह रहे, ये तो 2013 में ये जो NHA ने बनाए ये रोड, वहाँ सिंगल रोड बनाया, लेकिन उसी टाइम से ये डबल होना चाहिए, या जो है क्वेटे में जो है ख़ास कर इंजीनियरिंग, ये जो है इंजीनियर लोग मौजूद है वहाँ पे जो है, या सीवरेज निज़ाम है या दूसरा ऐसा निज़ाम है, ये पहले से जो है सही होना चाहिए, फिर बाद में ये सैलाब में, अभी देखो ये सारा पुश्तनाबाद और ये क्वेटे का पानी जो है नहीं सही नहीं निकल सकते, बाकी तो रोडों को तो छोड़, अभी तो ये तो हमारे साथ हुकूमत में, ये भी हुकूमत में, चलो वजीर आला साहब के साथ मैं, हम लोग भी जाएंगे, अब भी साथ है तो उसी के साथ बैठ जाएंगे कि भाई ये क्या हालात है इसका, तो रोडों का तो ठंडरे भी हो रहे हैं, ठंडर भी हो गया था, इस पर काम होना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू होना चाहिए। मैं सना साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये जो है हमसे ये सवाल किया था।